आप घर बैठे अपने बैंक का बैलेंस पता लगाना चाहते हैं कि आपके बैंक में पैसा आया है या नहीं आया है, कितना है आपके बैंक में, आपके अकाउंट में कितना पैसा है, वो आप घर बैठे पता लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंतिम तक देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को चार तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने बैंक का बैलेंस पता लगा सकते हैं, यानी कि आपके बैंक में कितना पैसा है वो पता लगा सकते हैं। मुझे अंदाज़ा है कि कोई ना कोई तरीका आपका काम आ सकता है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार तरीका बताऊंगा जिसकी वजह से, जिसकी मदद से आप अपने बैंक का बैलेंस पता लगा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिए तभी आपको समझ में आ जाएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को चार तरीका के बारे में बताऊँगा। कोई ना कोई तरीका आपको ज़रूर पसंद आएगा और कोई ना कोई तरीका आपका ज़रूर काम आ सकता है। तो इस वीडियो को सबसे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को अंतिम तक देखिए। तो चलिए मैं पहले तरीका के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। आपको प्ले स्टोर पर खोलना है। प्ले स्टोर पर खोलने के बाद आपका जो भी बैंक है, जैसे कि आपका अगर एसेट बैंक का है, तो आपको यहाँ पर SBI लिख कर एम पासबुक लिख के सर्च करना है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, और ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। और अगर आपका दूसरा बैंक है बड़ौदा का है, तो आपको यहाँ पे बैंक को जो मेरा पासबुक है मैं वहाँ पे सर्च कर देता हूँ, बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया BOIM पासबुक लिख के मैं सर्च करता हूँ। तो मैंने इसको ऑलरेडी आप लोग देख पा रहे हैं मैंने डाउनलोड कर रखा है, क्योंकि मेरा अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है। आपका जिस भी बैंक में है आप उसका ऑफिशियल एम पासबुक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ। जब इसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा, मेरे को लॉगिन करने का आ रहा है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना ये है कि आपका सिम आपको मोबाइल में लगा हुआ रहना चाहिए, यानी कि दूसरा मोबाइल में लगा हुआ रहेगा तो आप उसे यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको सिंपल आपको सिम सेलेक्ट करने का आएगा, उस सिम को रजिस्टर पर क्लिक करके आपको सिम सेलेक्ट कीजिएगा जो जो सिम आपके बैंक में लिंक है। उसके बाद उसके एक OTP आएगा, उसके बाद आपको लॉगिन पिन डाल के आप सक्सेसफुल रजिस्टर हो जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं रजिस्टर करके इस वीडियो में आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, सिंपल है, आप रजिस्टर आसानी से यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद इस तरह का लॉगिन का पेज आएगा। चलिए मैं यहाँ पर बैलेंस चेक करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मोबाइल नंबर ऊपर में डालना है दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे मैंने पिन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब चलिए मैं यहाँ पे लॉगिन का आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे लॉगिन पे, तो दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर है और एम पिन है वो अगर आप रजिस्टर करते समय जो चीज़ जी वही चीज़ यहाँ पे भरना है तो सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे एम पासबुक ऑप्शन मिला है, आपको इस पर क्लिक करना है। और आप लोग देख पा रहे हैं आपका बैलेंस यहाँ पे पूरा दिखाया जा रहा है, जो भी आपके खाते में जो भी बैलेंस है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे बड़ी आसानी से। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप पहला तरीका, चलिए मैं आप लोगों को दूसरा तरीका बताता हूँ। दोस्तों दूसरा तरीका बताने के लिए मैं गूगल को ओपन कर लेता हूँ। आपका जिस भी बैंक का है वो यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे कि मेरा बैंक ऑफ इंडिया का है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि BOI बैलेंस बैलेंस चेक नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बैलेंस इंक्वायरी नंबर या बैलेंस चेक नंबर आपको ये सर्च करना है। तो आप लोग देख पा रहे हैं आपको सबसे पहले पेज में यहाँ पे आपको नंबर कोई ना कोई आपको मिल जाएगा, तो इसको आपको कॉपी करना है। जैसे कि अगर आपका स्टेट बैंक का है तो यहाँ पे आप लिखिएगा SBI बैलेंस इंक्वायरी नंबर, बैलेंस इंक्वायरी नंबर आप करोगे या तो यहाँ पे आपको ये नंबर यहाँ पे मिल, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको नंबर यहाँ पे मिल जा रहा है, तो आपको इसको कॉपी करना है। तो चलिए मैं बैंक होता हूँ, मेरा बैंक ऑफ इंडिया का है, तो चलिए मैं यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, और जो ये नंबर है इस नंबर को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको कोई ना कोई तरीका ज़रूर पसंद आ जाएगा। तो मैंने इस नंबर को कॉपी किया है, अब चलिए मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास मैसेज आ गया, जैसे कि मेरा पैसा यहाँ पे तुरंत बता दिया है। तो इस तरीके से आप पता मिस कॉल मार के भी आप अपने बैंक का बैलेंस पता लगा सकते हैं। अब चलिए मैं आप लोगों को तीसरा तरीका के बारे में बता देता हूँ। आपको या तो फ़ोनपे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, या तो फिर आपको गूगल पे, ये दोनों में से एप्लीकेशन आप यहाँ पे डाउनलोड इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने इसको पहले से डाउनलोड कर रखा है, इसीलिए यहाँ पे अपडेट और अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं अपने फ़ोन में गूगल पे हमेशा यूज़ करता हूँ, तो मैं आप लोगों को देख पा रहे हैं ये गूगल पे मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा हूँ। तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपना बैंक, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप नहीं जानते गूगल पे यूज़ करना नहीं जानते हैं तो कमेंट पे ज़रूर बताइए, मैं इसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना पिन जो मैंने रजिस्टर करते समय दिया था वो मैं यहाँ पर सेट करता हूँ।
दोस्तों पिन डालने के बाद आपका सक्सेसफुल यहाँ पे हो जाएगा। आपके जब इसे आप ओपन करोगे तो इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे बैलेंस चेक का आपको ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे चेक अकाउंट बैलेंस का। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पिन मांगा जाएगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना जो भी पिन है, एम पिन है, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके ओके कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने पिन डाल दिया। चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे भी आपका बैलेंस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरा बैलेंस यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं शो कर दिया है। तो ये रहा तीसरा तरीका। मैं तीन तरीका के बारे में बताया, कोई ना कोई तरीका आप करके देखिए, आप कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को चौथा तरीका के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों चौथा तरीका बताने के लिए सबसे पहले आपको आधार ATM का इस्तेमाल करना है। दोस्तों चौथा तरीका बताने के लिए मैं कैमरा को ओपन कर लिया हूँ, इसके लिए दूसरा फ़ोन की आवश्यकता होगा। तो आपको ये पे नियर बाय का एप्लीकेशन अगर आपके पास नहीं है तो आपके आसपास में आधार ATM को यूज करता होगा उसके पास चले जाना है। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर भी बता देता हूँ कि इसे आप पे नियर बाय की मदद से कैसे बैलेंस चेक किया जाता है, वो भी आप सीख जाएंगे। ये बिल्कुल आधार ATM है। तो यहाँ पर आपको आप देख पा रहे हैं पे नियर बाय का, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। मेरा पे नियर बाय का एप्लीकेशन, ये जो ये मेरा डिवाइस है, इससे मैं इससे भी आप यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी का आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, बैलेंस इंक्वायरी। उसके बाद ये मेरा मिंत्रा का डिवाइस है, तो मैं यहाँ पे मिंत्रा के ऊपर ही क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर, उसके बाद यहाँ पर अपना बैंक है, उसके बाद यहाँ पर फ़ोन नंबर मैं जल्दी जल्दी से भर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे सही जानकारी भरने के बाद आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्कैन फिंगर के ऊपर क्लिक करना है। जब स्कैन फिंगर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे ओके करना है। ये मेरा डिवाइस का परमिशन मांग रहा है, तो मैं ओके यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्कैन फिंगर का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके डिवाइस में जो रेड कलर का, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं थंब अंगूठा दे देता हूँ। अंगूठा देने के बाद आपका यहाँ पे बैलेंस शो हो जाएगा। यानी कि अगर ये तो इसके लिए बहुत ही लफड़ा है, ये एप्लीकेशन को आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये एक रिटेलर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी मेरा बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप चार तरीक़ों की मदद से कर सकते हैं। लेकिन ये पे नियर बाय का एप्लीकेशन है, ये आपको मिलेगा नहीं, ये आपको नज़दीकी रिटेलर के पास जाना ही पड़ेगा। या तो हो सके आप किसी, ये पता लगा सकते हैं कि आप कौन आधार ATM यूज़ करता है, वहाँ से जाके आप